प्यारे बंधुओं, मैं यहां आपको वैदिक वेद मंत्रों की एक बहुमूल्य चीज आपको दिखा देता हूं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। वेद मंत्र में कहा गया है पति पत्नी के लिए, पति पत्नी के लिए कहा गया है हम दोनों के हृदय जल के समान शांत और मिले हुए रहेंगे। आप भारतीय प्राचीन वैदिक संस्कृति का एक झलक दर्शन कीजिए और आप इस झलक के आधार पर पूरे घर के हर व्यक्ति के लिए उपदेश का मन बनाइए। यहां मैं पति पत्नी के लिए जो चार प्रतिज्ञाएं हैं उनमें से केवल एक प्रतिज्ञा रख रहा हूं, क्योंकि आपके पास समय ही इतना है मेरी बातचीत सुनने के लिए। पति पत्नी के बारे में वेद ने कहा हम दोनों कैसे मिल गए हैं, जैसे जल में जल को मिला दिया जाता है। अच्छा, आपके पास ऐसा कोई तरीका है जैसे जल में जल को मिला दिया जाए और फिर उन दोनों जलों को अलग अलग कर दिया जाए, है दुनिया में कोई ताकत? यह उदाहरण, यह दलील, यह तर्क, यह तरीका परमात्मा ने पति पत्नी के लिए दिया है और पति पत्नी के लिए दिया है और इसका पूरा का पूरा संदेश यह जाता है हम दोनों जब पति पत्नी बन ही गए हैं तो अब हमें दुनिया की कोई ताकत, जोर से बोलो, अलग नहीं कर सकती। यह है भारतीय संस्कृति की एक झलक। अब इसका थोड़ा सा तरीका सुनिए। मेरे पास थोड़ी देर सुनो, मेरे पास यहां आप सुनो पहले, ये अच्छी बात है, आप ध्यान से सुन रहे हैं। एक पति पत्नी इधर बैठा है और एक पति पत्नी इधर बैठा है, आप जरा सुनिए गौर से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या कह रहा हूं। पति पत्नी दोनों इधर वाले जो बैठे हैं वो ये सोच रहे हैं कि अब हमें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, और इधर वाले पति पत्नी के मन में है हम कभी भी अलग हो सकते हैं। आप मनोवैज्ञानिक अध्ययन करिएगा तो कुछ रिजल्ट अच्छा आएगा, और अगर आप वहां तक नहीं पहुंचे जहां तक मैं ले जाना चाह रहा हूं तो शायद है इसका अर्थ ठीक से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक चीजें होती हैं तो उनको वहीं तक बहुत अच्छे ऊंचे स्तर के मनोविज्ञान से समझा जाता है। जरा फिर से सुनिए, इधर वाले जो पति पत्नी हैं वो ये विचार करते हैं कि हमें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, और इधर वाले पति पत्नी के मन में है कि हम कभी भी अलग हो सकते हैं। तो आप मुझे बस इतना बताइए समाधान कहाँ है हर काम का, हर समस्या का, और समस्याएं कहाँ हैं, इधर या इधर, समाधान किधर है? जरा ध्यान दीजिएगा, इधर वाले दंपति के पास हर समस्या का समाधान है और इधर वाले दंपति के पास हर समस्या है, और समस्या है नहीं, समस्या आएंगी नहीं बल्कि समस्याएं पैदा की जाएंगी। अब आप अंदाजा लगाइए हमारा भारत कभी इस अवस्था में जीता रहा, इसीलिए घर में कोई समस्या कभी नहीं आती थी, और आज हम कहीं इधर बढ़ते जा रहे हैं इसीलिए हमारे घरों में, जरा बोल दो एक बार, समस्या ही समस्या है। आप बाबूजी कह रहे उदाहरण बताओ, एग्जाम्पल दो, तो भारत देश में एक एग्जाम्पल ढूंढना चाह रहे हैं आप? ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हैं जो पति पत्नी एक बार बन जाते हैं फिर उन्हें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती है। आप बाद में बात कीजिएगा, बाद में बात कीजिएगा, कलयुग किसी समस्या के लिए नहीं है। सुनिए सुनिए, मैं आपकी सेकंड लूंगा, एक घंटा लूंगा, आपकी मृत्यु का विषय ही नहीं है, मृत्यु का विषय नहीं है, मृत्यु नहीं, मृत्यु तो सबको अलग कर देगी। बाबूजी बाबूजी मृत्यु तो सबको अलग कर देगी, वो विषय नहीं है यहाँ, वो विषय नहीं है यहाँ, जीवन काल तक की बात है और आप
अगर वहां जा रहे हैं तो आध्यात्मिक बात है, प्रातःकाल सुनिए, सुनाओ। देखिए हमने अभी तक भारतीय संस्कृति की एक झलक देखी, एक जैसे कितना आनंद है। मैं पिछले दिनों ग्वालियर में कार्यक्रम दे रहा था तो वहां फैमिली कोर्ट के एक जज साहब से मुलाकात हुई। हमने बातचीत में पूछ लिया कि साहब क्या हाल चाल है आपके कोर्ट का, तो उन्होंने बताया 1500 केस मेरे यहाँ पेंडिंग पड़े हुए तलाक के। जब एक जिले में 1500 हैं, पूरे देश भर में कितने होंगे आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। एक शब्द ने भारत का कितना बड़ा विनाश किया है। आप विनाश से बचना चाहते हैं, विकास की ओर आना चाहते हैं, तो आओ वेदों की शरण में जहां कोई अलगाव नाम का कोई शब्द नहीं है, और जब तक मन नहीं बनेगा तब तक व्यवहार ठीक होने वाला नहीं है। आओ जरा अब मैं एक वेद मंत्र का एक छोटा सा हिस्सा आपके बीच ले लेता हूं। वेद कह रहा है अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। यहां पर यह कहा गया है कि पुत्र पिता का अनुव्रती होवे। जरा ध्यान से सुनना, इसके अंदर से क्या निकल कर के आएगा वो देखना आप। पुत्र पिता का अनुव्रती होवे, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ मैंने जब पूछा तो कुछ लोगों ने बताया कि जी पिता के पीछे पीछे चलने वाला होवे, तो देखो इसका अर्थ ये नहीं है। कुछ लोगों ने बताया कि इसका अर्थ यह है कि पिता का आज्ञा पालन करने वाला होना चाहिए, तो देखो इसका अर्थ यह भी नहीं है। क्योंकि व्रत शब्द संस्कृत का है और इसके आधे अनु उपसर्ग लगा हुआ है, इसका सीधा अर्थ है व्रतों का पालन करने वाला। बोलो जरा एक बार, क्या है? व्रतों का पालन करने वाला। अब इसको मैं आपके सामने गणित से थोड़ा हल करूंगा, क्योंकि गणित में भी एक वृत्त बनाया जाता है, बस थोड़ा सा अंतर है, वहां पर वृत्त बनाया जाता है और यहां हम वृत्त बनवा रहे हैं। व्रत अंतर रा और री का है। जो वृत्त है उसका नाम है गोला और व्रत है उसका नाम है संकल्प प्रतिज्ञा। तो हमने जब कहा किसी बच्चे से कि भाई वृत्त बना के लाओ, तो एक गोला बना करके ले आया। जरा ध्यान से सुनना, आपको आनंद आएगा। जब कहा एक गोला वृत्त बना कर लाओ, वृत्त बना लाया, फिर वहां पर एक प्रश्न किया गया बहिर्वृत्त बनाओ। जरा संस्कृत का शब्द है बहिर् का अर्थ होता है बाहर, और सुनो यह प्रश्न अधूरा है, क्योंकि जब तक कोई एक आकृति नहीं दी जाएगी किसके बाहर बनाना है तब तक ये प्रश्न अधूरा है। पहले एक आकृति दी जाएगी फिर कहा जाएगा इसका बहिर्वृत्त बनाओ, इसका अंतःवृत्त बनाओ, इसके अंदर वृत्त बनाओ। और ठीक ऐसा ही प्रश्न है अनुवृत्त बनाओ, वहां भी अनुवृत्त है। इसका अर्थ यह है पहले एक गोला देना पड़ेगा, एक वृत्त देना पड़ेगा, एक सर्किल देना पड़ेगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही एक और सर्किल बनाने का नाम अनुवृत्त है। और अब आपने मेरी बात समझ ली तो इसका अर्थ आप और समझिए कि अगर आप बेटे को अनुव्रती बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले बाप को व्रती बनाना होगा। और अगर आपने बात समझ ली तो बताओ पहले बेटा सुधरना चाहिए या बाप सुधरना चाहिए? आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, थोड़ा जोर से आएगी तो संतान को भी पता चलेगा ये तो हमारे ऊपर तलवार लटकी थी, पहुंच इनके ऊपर गई। नहीं बंधुओं, वेद हमेशा दोनों को बात करता है, एक तरफा बात कभी नहीं की जाती। पति को समझाएगा तो पत्नी को भी समझाएगा, जहां माँ को समझाएगा तो वहां संतान को भी समझाएगा, जहां पिता को बताया जाएगा तो पुत्र को भी बताया जाएगा। पता चला पहले पिता व्रती होना चाहिए। आओ अब मैं आपके सामने दो उदाहरण देता हूं, आपसे ही पूछ लेता हूं। आज से 50 साल पीछे चलते हैं हम, और 50 साल पीछे जाकर हम एक बात देखते हैं। आज का पिता बेटा अपने पिता का ज्यादा आदर करता है या 50 साल पहले का बेटा अपने बाप का ज्यादा आदर करता था? आनंद लीजिए, जरा जुड़िए मेरे साथ, फिर देखिए कितना अच्छा सा विचार निकलेगा। 50 साल पहले का बेटा अपने पिता का ज्यादा आदर करता था अपेक्षाकृत आज के। क्यों?
क्योंकि क्योंकि इसका एक ही उत्तर है, क्योंकि 50 साल पहले का जो पिता होता था वो एक आदर्श पिता होता था आज की अपेक्षा में, इसीलिए पुराना जो पिता है वह झूठ नहीं बोलता। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूं क्या? 50 साल पहले का पिता आदर्श पिता है, बेईमानी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, गलत काम नहीं करता, और कम से कम संतान को उसकी गलतियों के बारे में पता नहीं चलता। और आज पुराने समय का बेटा ये कहता था कि आप मेरे पिता के बारे में कुछ मत कह देना, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और आज के बेटे के सामने बुराई करो तो धीरे से खिसका देगा, हाँ अंकल आप ठीक कह रहे हो। आओ मैं थोड़ा और पुराना उदाहरण देता हूं। आपको याद है, सबने कथाएं सुनी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वन चले गए थे। तो वो वन चले गए थे तो किसके व्रत का पालन करने गए? अपने या पिता का? ये कितने कमाल की बात है, देखो यहां उदाहरण कितना फिट बैठता है। और सुनो, अगर आपने एक चौपाई पढ़ ली, एक चौपाई को दोहरा लिया, तो आपको लगेगा यह दशरथ जी का भी संकल्प नहीं है, यह तो उनके खानदान उनके कुल परंपरा में चला आ रहा है। जरा क्या है वो चौपाई? रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अच्छा, मैं आपसे विनम्रता से पूछने लगूं, आज हमारे परिवारों का भी कोई व्रत संकल्प कोई आदर्श है क्या? आज हमारे जीवन का कोई आदर्श नहीं रह गया, हमारे उठने बैठने जागने सोने का कोई आदर्श नहीं रह गया है, तब बताइए हम अपने घरों को बेहतर कैसे बना सकते हैं? आओ, मैं आज से 17-18 वर्ष पहले कार्यक्रम मेरे पास थोड़े कम होते थे, मैं गुरुकुल से उस समय निकला ही निकला था, अब तो समय इतना कम रहता है, तो मैं आर्य समाज के सभागार में सायंकालीन योग की कक्षाएं लगाता था। तो मैं बच्चों को उपदेश भी करता धीरे धीरे कि भाई ऐसा किया करो, वैसा किया करो, माता पिता की सेवा किया करो, पैर छुया करो। तो एक बच्चा खड़ा हुआ है, वो कहता है मैं माँ के तो पैर छू सकता हूँ, बाप के नहीं छू सकता। मुझे बड़ा अद्भुत लगा, बहुत अद्भुत लगा, ये बालक क्या कहता है? लेकिन मैंने उसे धीरे से बुलाया और पूछा कि रे तू ऐसा क्यों कहता है? तो सुनो क्या कहता है। वो कहता है मेरा पिता शराब पीता है, मेरा पिता जुआ खेलता है, मेरा पिता दुकान का व्यापार का ध्यान नहीं रखता। अब मेरे से पूछता है, आप ही बताओ ऐसे बाप का आदर करूं क्या? माने अपनी आफत मेरे ऊपर डाल दी। मैं भी सोच में पड़ गया क्या कहना चाहिए, लेकिन उस समय जो मेरे मन में आया मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटे पिता पिता होता है, उसका आदर करो, उसका मान करो, सम्मान करो, हो सकता है परमेश्वर की कृपा हो सब ठीक हो जाए। उस बच्चे ने विश्वास किया और अपने घर जाकर के आदर करने लगा, स्कूल जाता आता पैर छूकर नमस्ते करता। संयोग वश उसके पिता से मुलाकात हुई हमारी, बातचीत हुई, बातचीत होते होते हमने कहा सेठ जी एक बालक ऐसा कहता है मैं अपने पिता का आदर नहीं करूंगा, मेरा पिता ठीक नहीं है। तो मैंने कहा सेठ जी क्या ऐसा कहने वाला बालक ठीक कहता है क्या? अब देखना जरा, उसका प्रश्न उसके बाप के पास आ गया। वो सोच में पड़ गया। अच्छा आप अंदाजा लगा सकते क्या सोच रहा होगा? सबसे पहले तो वो यही सोच रहा होगा कहीं मेरा ही तो नहीं कहता। और जब उसने देखा कि मेरा तो पैर छूता, उसे क्या पता पैर कहां से छुए जा रहे हैं। वो कहता है एकदम बेवाकी से कहता है जो बालक ऐसा कहता है वो ठीक कहता है। हमने कहा सेठ जी अब आप ही अपने अंदर बताओ, आपका बेटा ऐसा कहता है तो आप क्या करोगे? और ये बात केवल उस सेठ के लिए नहीं है, यह बात केवल उस सेठ के लिए नहीं है, संसार के सभी पिताओं के लिए है। मैं अपनी संतान की आंखों के सामने कैसा व्यक्ति हूं ये मेरे लिए चिंतन का विषय है। सेठ जी का अब चेहरा देखने लायक था, पानी उतर गया चेहरे का, फीका पड़ गया चेहरा। सेठ जी ने अपने आप को संभाला और संभाल कर कहते हैं आचार्य जी आप ठीक कहते हैं, और अगर मेरा बेटा ऐसा कहता है तो मैं अपने आप को संभालूंगा और सारे काम आज से गलत बंद कर दूंगा। ओहो देखो कैसी प्रभु की कृपा हुई। लड़के ने देखा
कई दिन तक देखा और कई दिन देखने के बाद एक दिन वो दौड़ करके आया। दोपहर का समय था, सेवक से पूछता है भाई गुरुजी कहाँ हैं? वानी देख अपने कमरे में होंगे, मेरे पास आया, हाँफ रहा था। मैंने पूछा रे क्या हो गया? तो वो कहता है गजब हो गया। मैंने क्या हो गया? वो कहता है मेरा बाप सुधर गया। ओहो, आप उस बच्चे के आनंद का ठिकाना अनुभव कीजिए, आपको भी आनंद आएगा। अरे जिसके बड़े लोग आदर्श होते हैं उनकी संतान को कितना आनंद आता है, पता है आपको? महर्षि दयानंद क्या कहते हैं? अरे वे संतान बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके माता पिता विद्वान और धार्मिक होते हैं। इसीलिए माता पिता धार्मिक विद्वान बनकर अपनी संतान को सौभाग्यशाली बनाएं, फिर देखो कितना आनंद आता है। मैंने अभी यहाँ पिता के बारे में एक बात कही, अब मैं आपको माँ के बारे में ले चलता हूँ, क्योंकि अगला जो चतुर्थांश है वो माँ के लिए कहा गया है। माँ के लिए ये वेद मंत्र कहता है, मात्रा भवतु सम्मना, मात्रा भवतु सम्मना, संतान माता में समान मन वाला होवे। ये समान मन क्या है? समान मन का अर्थ है बंधुओं, माताओं, बहनों, कि जैसा जैसा माँ विचार करे वैसा वैसा संतान कर्म करे, उसको कहते समान मन। मैं यहां एक उदाहरण देता हूं और फिर आपको अंदाजा लग जाएगा कि समान मन बनाना है तो फिर क्या करना होगा। प्यारे बंधुओं, एक बात आपको इशारे से पूछता हूं, माँ जो भी विचार कर रही है, जो भी विचार कर रही है वैसा वैसा संतान करे, इसके लिए प्रयास किसको करना होगा? बोलो, संतान को प्रयास करना है या माँ को प्रयास करना है? बोलो जरा एक बार, देखो कैसा उत्तर निकल रहा है इसमें से। क्योंकि बच्चा तो अभी मांस का सा लोथड़ा है, उसे चलना फिरना तो क्या बैठना नहीं आता है, इसीलिए माँ उसको संस्कारित करेगी। और कैसा संस्कारित करेगी? आओ मैं आपको एक माँ का दर्शन कराता हूं। आज माँ एक बच्चे को लेकर के टीले पर खड़ी है, पहाड़ के एक किनारे पर खड़ी है और सामने दिखा रही है, देख रहे हो? बेटा कहता है हाँ माँ दिख रहा है। एक दुर्ग दिखाई देता है, किला दिखाई देता है। हाँ बेटा, ये तेरे बाप दादाओं का किला है और इस पर विधर्मियों का कब्जा है। मैं चाहती हूँ इस पर तू अपना भगवा ध्वज फहरा दे, अपनी भारतीय संस्कृति का भगवा ध्वज फहरा दे। तो बेटे ने ये नहीं कहा, माँ मेरी उम्र कम है, माँ मैं छोटा हूँ, माँ मैं कमजोर हूँ, माँ मेरे पास हथियार नहीं है, माँ मेरे पास सेना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। उसने माँ के पैर छुए और माँ से कहता है, माँ जो तू सोचती है ना वो बिल्कुल सफल होगा, तू तो बस मुझे आशीर्वाद दे दे। माँ के पैर छुए और युद्ध करते हुए एक दिन भगवा ध्वज फहरा दिया। बोलो क्या हो गया? मात्रा भवतु सम्मना। अच्छा, आपको इतिहास याद आ गया होगा, जरा बताओ उस माँ का नाम क्या है? उस माँ का नाम है वीर माता जीजाबाई। कौन है उसका बेटा जो सम्मना काम करता है? छत्रपति शिवाजी महाराज। और ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज को बनाने का श्रेय माता को ही जाता है। और एक माता है यहाँ, माता मदालसा अपने पुत्रों का निर्माण करती है, माता अंजना अपने पुत्र का निर्माण करती है, माता कितनी माताएं हैं, कौशल्या आदि माताएं जिनके नाम आपको गिनाए जाएं, वो माता क्या करती है? तो माता अपनी संतान का निर्माण दो तरह से, दो व्यवस्थाओं से करती है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। यहां बस एक उदाहरण देता हूं क्योंकि बातचीत का समय पूरा हो रहा है। हमारे यहां पर 16 संस्कार होते हैं, भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार। वो अलग बात है कि आज संस्कारों के नाम भर याद नहीं है लोगों को, वो अलग बात है संस्कारों का महत्व लोगों को समझ में नहीं आता। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। किसी दिन ये बात समझ में आएगी तब आपको आनंद आएगा उसका व्यावहारिक स्वरूप देखकर। बच्चे का गर्भ धारण होता है उस समय गर्भाधान संस्कार, गर्भ ठहर जाता है तो दूसरे महीने तक पुंसवन संस्कार और छठे से आठवें महीने में गर्भावस्था में सीमन तो नयन संस्कार कराया जाता है। और वहां पर एक संस्कार कराते हैं, मूंग तिल चावल की खिचड़ी बना करके आहुतियां भी लगाई जाती हैं और उस गर्भिणी स्त्री को दे दिया जाता है उसमें और घी डालकर, और उससे पूछा जाता है पति के द्वारा। पुरोहित जी कहते हैं पति से पूछो अपनी पत्नी को क्या देख रही है, तो पूछते हैं किम पश्यसि,
हे देवी तुम क्या देख रही हो? तो वो देवी भी बड़ी प्रसन्न चित्त होकर देख कह रही है, तुम्हें क्या लगता है मैं अपना चेहरा देख रही हूँ? वो कहती है प्रजाम पश्यामि। बोलो जरा एक बार, क्या देखती है? प्रजाम का अर्थ है संतान। ओहो, क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ सीधा है, जो 24 घंटे और जब तक गर्भ अवस्था रहती है तब तक और उससे आगे भी जो देवी अपनी संतान की परवरिश और उसके चिंतन पर अपना समय व्यतीत करती है वो एक दिव्य संतान को जन्म देती है। और जो अपनी डेंटिंग पेंटिंग में लगी रहती है वो अच्छी संतान को जन्म नहीं दे सकती है। एक कवि की चार पंक्तियां सुन लो, वाणी को विराम दे देंगे। एक कवि है, वो संस्कारों की इस बात को बड़े अपने शब्दों में पिरोता है। आपको अंदाजा लग जाएगा, बड़े कमाल की बात इशारे में कह जाता है। वो कहता है एक आधुनिक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। एक आधुनिक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा जन्म लेते ही सिर पैर हिलाने लगा और टन टना टन 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 टारा। बच्चा जन्म लेते ही सिर पैर हिलाने लगा और टन टना टन 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 टारा, चलती है क्या 9 से 12 गाना गाने लगा। बच्चा गाना नहीं गा सकता लेकिन कल्पना देखो उसकी कितनी सटीक है। डॉक्टर परेशान, नर्स हैरान, बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए लेकिन बच्चे का गाना गाने का कारण नहीं ढूंढ पाए। बच्चे का दूध मांगने का तरीका तो दिल दहला दे। बच्चे का दूध मांगने का तरीका तो दिल दहला दे। बच्चा गाकर कहता ओ मेरी मम्मी लिफ्ट करा दे, मुझको भी जरा दूध पिला दे। इन्हीं बातों के चलते बच्चे को मना लिया गया। अब जरा ध्यान से सुनना। इन्हीं बातों के चलते बच्चे को मना लिया गया। बच्चे के गाना गाने के कारण को ढूंढने का प्रयास किया गया। बच्चा बोला ये सब वातावरण की देन है। अरे जब एक दिन की कहानी सुनकर अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर अंदर जा सकता है तो क्या दिन रात गाना सुनने वाला बालक गाना नहीं गा सकता है? अरे मेरी माँ ने, जरा ध्यान से सुनना, अरे मेरी माँ ने कभी वेदों से हाथ लगाया होता, मेरी माँ ने कभी सत्संग में बैठकर चिंतन किया होता, मेरी माँ ने कभी रामकृष्ण की कथा को सुना होता तो मैं भी आपके घर रामकृष्ण जैसे संस्कार लेकर आया होता। मेरी माँ ने 2400 घंटे टीवी चैनल्स का स्वाद लिया है, इसीलिए माँ ने बच्चे को नहीं टीवी को जन्म दिया है, टीवी को जन्म दिया है। देखो इशारे से ये कह गया हम किधर जा रहे हैं। मैं बस आपको विनम्रता से यही निवेदन करने लगा हूँ, परमात्मा की वाणी वेद है। वेद के बाद दर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ आदि का निर्माण हुआ, ऋषियों ने तपस्या करके बनाया और वेद हमें जीवन के सारे कल्याण के रास्ते देता है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक जीवन क्यों न हो, चाहे पिता को समझाना हो, माँ को समझाना हो, चाहे संतान को समझाना हो और चाहे राजा को समझाना हो, चाहे व्यापारी और अध्यापक को समझाना हो, सबके लिए उपदेश करता है। हम सारे के सारे लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन जिस दिन करने लगेंगे भारत फिर से विश्व गुरु बनने की स्थिति में आ जाएगा। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं क्योंकि मेरे वार्तालाप का समय पूरा हो चुका है। शाम को हम फिर बात करेंगे, कल फिर बात करेंगे। आप सभी का, विशेषकर परिवार का और आर्य समाज सेक्टर 15 का बहुत बहुत धन्यवाद।